बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुल्लाह रसूल करीम। जनाब ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब ने चूँकि जिक्र किया है और इशारा हमारी तरफ था, मैं अर्ज़ करूँगा कि हमने बेपनाह कोशिश की 2013-18 के दौरान। मेरी ज़ाती इंटरेक्शन हुए, एक इंटरेक्शन उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ नवाशी साहब के साथ ओवल ऑफिस में, वाइट हाउस में रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने नहीं माने। और फिर 2016-17 में इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो वो फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं, ऑब्वियसली वो वज़ीर ख़ारजा हैं यूएस के, एंटनी ब्लिंकन की बात करो, मेरी उनसे 3 दफ़ा डिटेल्ड इस सब्जेक्ट के ऊपर उनसे इंटरेक्शंस हुए। और मैंने पूरी कोशिश की कि हमारी पाकिस्तान की बेटी और बहन जब जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान आ सके। लेकिन मुझे दुख है कि हमने कई चीज़ें, वो ज़ाहिर है कि रिकॉर्ड पे मुनासिब नहीं हैं, लेकिन काफ़ी उसको सॉल्यूशंस दिए, 1-2-3। तो मैं एक तो गुजारिश करूँगा कि अगर मुश्ताक साहब ऑनरेबल सेनेटर मुझे गाइड कर दें कि क्या ख्यालात हैं। हम बहुत कीन हैं कि और इंशाल्लाह जो ही कैबिनेट बनेगी तो ये प्रायोरिटी एजेंडा होगा इस हुकूमत का कि हम पूरी कोशिश करें, एंगेज करें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा और उनको रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान की इस बेटी को जिसने बहुत सफ़र कर लिया है उसको पाकिस्तान लॉज और रूल्स के मुताबिक लाया जाए। यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है, सेंटेंस सर्व हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इसमें मेरा ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि पाकिस्तान की ये बेटी जिसने इतनी तकालीफ काटी है और इतना सफ़र किया है कि वो पाकिस्तान ना आए। हम भी उसी तरह कीन हैं जिस तरह जनाब मेरे ऑनरेबल भाई सेंटर मुश्ताक साहब हैं, और हम इसके लिए मैं इनको अशोर करता हूं कि पूरी एफर्ट की जाएगी डिप्लोमेटिक इंशाल्लाह फॉर दिस सब्जेक्ट। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।